नमस्कार, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। आज हम स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। एक्सरसाइज 10.1 के हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30° फ्रॉम द वाई एक्सिस। उस लाइन की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष से 30° का कोण बनाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम विजुलाइज करें कि किस तरीके से लाइन बनी होगी, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो लाइन है आपकी, ऐसे कुछ भी बना ले, वाई अक्ष से 30° का कोण बनाती है, वाई अक्ष से 30° का कोण बनाती है। अब आपको ये लाइन है आपकी, ये वाई अक्ष है, इससे कितने अंश का कोण बनाती है, 30° का। आपको इस लाइन की प्रवणता ज्ञात करनी है। आपने एक प्रवणता का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m इज इक्वल टू tan थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल है। लेकिन थीटा कौन सा एंगल है, थीटा जो एंगल होता है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो थीटा कोण होता है किसी भी लाइन की प्रवणता निकालने में, वो एक्स अक्ष से बना कोण होता है। तो 30° यहाँ से है तो एक्स अक्ष से बना कोण कितना हो जाएगा, 90 ये है, 30 ये है, तो एक्स अक्ष से बना कोण 90 30, 120°। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन एक्स अक्ष से बना कोण इज इक्वल टू 30 ये है, 90 ये है। आप लोग समझ गए होंगे, 90 + 30, एम इज इक्वल टू थीटा की जगह 120° रख देंगे। अब भैया ये बताइए टेन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 0 से 360°, जैसे उसमें मैंने ट्रिक बताई थी इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, वो आपको आना चाहिए अगर आप 11th में हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के भी मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को आता है। अच्छा देखिए, टेन 120 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 - 60, और टेन 180 - थीटा क्या होता है, टेन 180 - थीटा क्या होता है, 180 वाले केस में टेन 10 में कन्वर्ट होगा, साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, और 180 - थीटा टेन थीटा, आप लोग समझ रहे होंगे। और टेन 60 की वैल्यू √3, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, वाई एक्सिस से दिया था, हमने एक्सिस से निकाल लिया, प्रवणता का फॉर्मूला लगा दिया, सीधा सीधा सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है, ए एक्स माइनस वन, बी 2.1 एंड सी 4.5 आर कोलिनियर। यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपने क्लास 10th में पढ़ा था। आप लोग जानते हैं कि यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 होगा। यदि तीनों एक ही रेखा में होंगे तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन अब आप क्लास 11th में आपने प्रवणता पढ़ ली है, तो आप इस सवाल को प्रवणता की मदद से भी लगा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रवणता से भी इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि तीनों बिंदु ए बी सी मान लीजिए एक ही रेखा में है, क्वेश्चन के अनुसार यदि एक ही रेखा में है तो इनकी प्रवणता क्या होगी, बराबर। जितनी ए बी की प्रवणता होगी उतनी बी सी की भी प्रवणता होगी। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कल मैं शादी में गया हुआ था, और शादी, भाई तुम लोग भी जाते होगे, शादी में जाना भी ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, लेकिन कोरोना का ध्यान रखिए, बाहर का खाना कम खाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब लोग शादियाँ कर रहे हैं, पहले लोग शादियाँ नहीं कर रहे थे। पर शादी में जाने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई भूल जाइए, टाइम निकालिए, पढ़ते रहिए ना, ज़िंदगी में मज़े ज़रूरी हैं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, कल की घटना सुन के तो शॉक्ड हो गया मैं यार। सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर, कितना खुशनुमा इंसान, लेकिन सुसाइड कर लिया। मतलब ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब है यार। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमेशा बढ़ते रहो, कभी हारो नहीं। यार ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो आप नहीं पा सकते हो,
इससे बुरा क्या है, इससे सैड क्या हो सकता है कि एक आदमी वेल इस्टेब्लिश्ड अच्छा कमा रहा है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, सुसाइड कर ले। ये तो चलिए अब क्या बोला जाए, इतना अच्छा एक्टर गया है थोड़ा बहुत। हाँ आप प्रवणता से अगर करें, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी के। ए बी का स्लोप प्रवणता निकालनी, तो प्रवणता का सूत्र होता क्या, वाई टू माइनस वाई वन, तो वन माइनस 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 प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, फॉर्मूले सारे याद कर लिए। स्लोप ऑफ बी सी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर इसको सॉल्व करें, वन वन टू, टू माइनस एक्स, फाइव माइनस वन फोर, फोर माइनस टू टू, टू टू जो फोर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं मानता हूँ कि आप लोग को सॉल्व करना आता है, टू टू बचा नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो टू टू जा फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाके माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। माइनस से माइनस कैंसिल, टू अपॉन में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। यही इसका आंसर है। सवाल ये था एक्स की किस वैल्यू के लिए ये तीनों कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे, तो हमने ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से नहीं किया, त्रिभुज वाले से, हमने स्लोप के फॉर्मूले से किया। अब बात करते हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन बोल क्या रहा है, इसको आप लोग खुद से करेंगे। क्लास टेंथ में भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन करने का तरीका दूसरा था। अब आप स्लोप से भी कर सकते हैं, प्रवणता से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं नहीं करूँगा, आप खुद से कर लीजिएगा। मैं सिर्फ वैल्यू लिखे दे रहा हूँ, 4.0 और बोला सिद्ध करिए कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए पैरेललोग्राम के हैं, समांतर चतुर्भुज के हैं। सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। अब आप लोगों ने पिछले साल कैसे करते थे, ए बी बराबर बी, यदि ए बी बराबर ए डी आ जाए, बी सी बराबर ए सी आ जाए, तो हम लोग क्या बोल देते थे, क्या बोल देते थे कि हाँ ये है भाई, क्रम से चार पॉइंट बना लेते थे ऐसे, ए बी सी डी, सबके कोऑर्डिनेट आपको पता है। अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, इतना प्रूफ जैसे ही हो गया तो हम लोग क्या बोलते थे कि हाँ है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन आप इसको प्रवणता से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्लास टेंथ में कई बार बोला था कि मैं इसको प्रवणता से भी सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मैंने तब नहीं कराया था क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूले नहीं पढ़े थे। अब आप लोग एक जानते हैं कि अगर ये दोनों समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, मतलब इसकी प्रवणता किसके बराबर होगी, इसके, और इसकी किसके बराबर होगी, इसके। यदि इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर, तो भी मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, हाँ यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप इस सवाल को प्रवणता से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो इसको आप अपने घर में ट्राई करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ईजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, आपने टेंथ में भी किया है, इलेवेंथ में भी आप प्रवणता से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टेंथ मैंने छोड़ दिया, उसको भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। और ये पहला सवाल है अभी तक आपने क्लास 11th में, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिया क्या गया है, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी लाइन की प्रवणता दूसरी लाइन की प्रवणता की दुगनी है, इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन, और उनके बीच का जो टेंजेंट है, स्पर्शजा है, जो जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मान लिया इसका स्लोप, इसकी प्रवणता m1 है, मान लीजिए इसकी प्रवणता कितनी है, m2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी प्रवणता इस लाइन की इसके डबल है, इसकी प्रवणता इस लाइन की प्रवणता के क्या है, डबल है, और इसकी स्पर्शजा, उसमें एक वर्ड लिखा है अंग्रेजी किताबों में, टेंजेंट लिखा है, स्पर्शजा 1/3 है। अच्छा, इस मान लीजिए इनके बीच कोण थीटा है, तो स्पर्शजा का मतलब क्या होता है, स्पर्शजा का मतलब होता है टैन थीटा। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है टैन थीटा इज इक्वल टू 1/3, और क्या दिया है, एक लाइन की प्रवणता दूसरी लाइन की दुगनी है। मैं मान लेता हूं दूसरी लाइन की प्रवणता, लेट माना दूसरी लाइन की प्रवणता एम है, तो पहली लाइन की प्रवणता क्या हो जाएगी, 2m। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप क्या है, डबल है,
यदि एक की m है, यदि मैं कहूँ एक की 100 है तो दूसरे की कितनी आएगी, 200 आएगी। अगर एक की एक है तो दूसरे की क्या आएगी, 2 आएगी, डबल है। अब एक की m है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 2m। अब आपको निकालना है कि थीटा ये कितना या m की वैल्यू कितनी होगी, प्रवणता कितनी होगी इसकी और इसकी। तो आपको m की वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में, प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता कितनी होगी। ऐसा कोई फॉर्मूला आपको पता है जिसमें दोनों लाइन, जिसमें कोण आता हो, प्रवणताएं आती हो? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू, जिनको फॉर्मूले नहीं आते, सबसे पहला वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल फॉर्मूलाज, उस वीडियो का टाइटल है, उसको आप देख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले आने चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसा कुछ होता है, मॉड लगा होता है। मॉड का मतलब है कि, चलिए इसमें मतलब भी हम बताएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ये इस फॉर्मूले में रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए, आंसर है। ये सूत्र है, ये दो लाइनों के बीच बनने वाले कोण और प्रवणताओं के बीच संबंध का सूत्र है। tan थीटा की जगह 1/3, m1 की जगह 2m, m2 की जगह m, 1 प्लस m1 की जगह 2m, m2 की जगह m। अच्छा, अब क्या होगा, 1/3 2m माइनस m, 1 प्लस 2m स्क्वायर मॉड। यहाँ तक एकदम इजी था, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको इससे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद मैं ऊपर लगाता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए, अगर सॉल्व करना नहीं आता तो सूत्र पते होने का भी कोई मतलब नहीं है, और सूत्र पता नहीं है तो फिर सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो दोनों बातें हैं, तो सबसे पहले सूत्र पढ़िए, और सॉल्व करना सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10th की मैथ फिर से पढ़ डालिए, छुट्टियाँ हैं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे वीडियो देख कर आप फिर से भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करें 1/3। अच्छा, एक चीज़ हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए याद रख लीजिए, जब भी आप मॉड खोलोगे तो साइन प्लस और माइनस का आएगा, क्योंकि मॉड का मतलब है हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। अगर अंदर निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, अगर अंदर पॉजिटिव है तो प्लस में खुलेगा। तो जब भी मॉड खोलते हैं, वेन एवर यू ओपन द मॉड, ऑलवेज टुक साइन पॉजिटिव और निगेटिव, बिकॉज दोनों केस पॉसिबल हैं, इट कैन बी बोथ थिंग्स हैपन। तो प्लस और माइनस, अब आपने लिया 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन होंगे, पहला इधर मैं किए दे रहा हूँ प्लस लेके, और दूसरा इधर माइनस लेके। अब आप एक बार प्लस लेकर सॉल्व करोगे, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करोगे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, जब भी मॉड ओपन करें तो प्लस माइनस। इसके बाद क्या करना है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, और जो आ जाए वही इसका आंसर है। तो 1/3m 1 प्लस 2m स्क्वायर, 1/3 माइनस 1 प्लस 2m स्क्वायर। मैं एक साइड सॉल्व कर दूंगा, एक साइड आपके लिए छोड़ दूंगा, आप आंसर, इसमें 3-4 आंसर आएंगे, सारे आंसर करेक्ट हैं, ये केसेस संभव हैं, उसका मतलब ये है कि ये चार चीज़ें पॉसिबल है। इसको सॉल्व करें, इसका इधर, इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर प्लस का 3m, ये इधर से इधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। भैया बेटा, क्या आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, 1 का इससे मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, और ऐसा कुछ करें, जोड़ें या घटाएं तो बीच का आ जाए, 2 1 3। तो ये अब समझाने की चीज़ नहीं है, अगर आप लोग होशियार हैं, 10th पढ़ के आए हैं तभी वीडियो देख रहे होंगे, नहीं तो जो गधा है उसको पढ़ने से मतलब नहीं है, तो ये मान के चलता हूँ। आप लोग लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, एक तरफ आ जाएगा 2m और एक तरफ आ जाएगा m-1। जब आप इसको सॉल्व करोगे कॉमन लेके, तो मैंने एक लाइन स्किप कर दी, डायरेक्टली लिख दिया सोच के, तो आप भी सोच सकते हैं, इतना आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जब दो जीरो है, इसका मतलब है या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। जब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, या m इज इक्वल टू 1, या तो 1/2 आंसर होगा या तो 1 होगा। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करोगे, तो m की फिर दो वैल्यू निकलेंगी, और जो चार आंसर आएंगे वही इस क्वेश्चन के आंसर हैं। इसको मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग मुझको बोलते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन घर के लिए दे दिया करिए, तो मैंने एक 10वां क्वेश्चन छोड़ा है, इधर का पार्ट छोड़ा है,
नौवें क्वेश्चन में सिर्फ हिंट दिया है, तो उनको आप घर पे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, रिवाइंड करके जो मैंने छोड़ दिया उसको सॉल्व जरूर करें, आंसर बुक से ज़रूर मैच करें। और भैया जिनके पास बुक नहीं है तो दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें 6th class 1 से लेकर 12th तक की सारी बुकें हैं। मेरे पास भी बुक नहीं है, तो मैं क्वेश्चन के लिए क्या करता हूँ, क्वेश्चन सीधा सीधा दीक्षा ऐप से लिख लिया, फिर आप लोग को बता दिया। मेरे पास एडवांस बुक है, आर डी शर्मा वगैरह, मैं इन सब बुक बच्चों से लेके हम लोग कोचिंग में भी पढ़ा देते हैं, कॉलेज में भी पढ़ा देते हैं, तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इतने सारे साधन हैं, दीक्षा ऐप आपके पास है, तो जब तक दुकानें नहीं खुल रही हैं तब तक आप बुक वहीं से लीजिए, पढ़ाई करते रहिए ना, क्योंकि अपना साल ना बर्बाद हो। 15 अगस्त तक तो कोई कॉलेज खुलना नहीं है, कोचिंग खुलनी नहीं है, तो पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 लाइन ना, क्वेश्चन ये है, एक रेखा है, लाइन है, व्हिच पासेस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। एक लाइन है जो इन दोनों से पास होती है, इन दोनों से गुजरती है, दो बिंदुओं से गुजरती है, तथा इसका स्लोप m है। प्रवणता कितनी दी गई है, m। एक लाइन इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है जिसकी प्रवणता m है, तो सिद्ध करो, आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन ये प्रूव करने वाला है k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1। एक लाइन का क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। देखिएगा क्या है कि 10-12 वीडियो इस चैप्टर के बनने वाले हैं, हर एक्सरसाइज के दो दो तीन तीन वीडियो बनेंगे, दो दो वीडियो बनेंगे, उसके बाद मिसलेनियस के 3 वीडियो बनेंगे, फिर 3-4-5 वीडियो बनेंगे IIT JEE NDA और ऐसी अलग अन्य एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की आपको अच्छे से अच्छी जगह पर एडमिशन मिल सके, उनके लिए भी 4-5 वीडियो बनेंगे। तो ये एक्सरसाइज बड़ी होने वाली है, ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं, तो क्रम से सारे वीडियो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, और डिस्काउंट 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 मतलब सारी ज़िंदगी मज़े करिए, गोली नहीं मारना है, खेलिए कूदिए, दूसरों से दूर रहिए, घर वालों का साथ देते रहिए ना, क्योंकि ये टाइम निकल जाए यार, ये सबके लिए कठिन है, तो इस टाइम से आपको उबरना है, और फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब आपको प्रवणता का सॉल्यूशन कर देते हैं, प्रवणता का सूत्र पता है, m बराबर, प्रवणता m ही है इस सवाल में, तो m बराबर, सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1, x1 y1, x2 y2, अपने आप मान लेते हैं, y2 माइनस y1, y2 कितना है, k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 की जगह h माइनस x1। अब होगा क्या, इसका इधर मल्टीप्लाई अपॉन में ये, तो इसका इधर 1 का इससे होगा, तो क्या आ जाएगा, k माइनस y1, इसका इससे होगा तो m h माइनस x1। क्या यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड। क्या इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, नहीं, पर बता दिया मैंने, इसको भी मैं छोड़ सकता था, पर ये था कि बहुत इजी है, एक बार आप लोग के दिमाग में फिर से डालने के लिए कि प्रवणता का सूत्र, कौन कौन से फॉर्म ने प्रवणता का, m बराबर tan थीटा, दूसरा कौन सा, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो वाला कब लगाते हैं, जब एंगल दिया हो, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में क्वेश्चन देखा था। ये वाला कब लगाते हैं, एक दो क्वेश्चन में हो चुका, जब भी दो पॉइंट दिए गए हों और आपको स्लोप निकालने, और भी फॉर्मले हैं, y बराबर mx प्लस c, वो भी एक टाइप होता है, m प्रवणता का एक सूत्र होता है, जब माइनस एक्स का कॉफिशेंट अपॉन वाई का कॉफिशेंट, ये कब लगते हैं, जब इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई हो, तो अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको लगाने होते हैं, डिपेंड करता है किस क्वेश्चन में क्या लगाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मेरी आवाज़ आप लोग को सही आ रही है कि नहीं, ये तो वीडियो के अंत में मैं खुद देख पाऊँगा, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, बहुत तेज़ी से नहीं बोल सकता हूँ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, पॉइंट लिख देता हूँ, h, 0 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैं कराए दे रहा हूँ, यदि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं ABC तो प्रूव करो, टू प्रूव आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है a/h + b/k = 1। यदि ये तीनों एक ही लाइन पे हैं तो सिद्ध कीजिए कि
इतना इज इक्वल टू इतना, ये तीनों एक ही लाइन में हैं या कोलिनियर हैं, तो इतना प्रूव करना है। इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर एक ही लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो, यदि एक लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो लगा के आप इसको करें, घर में ट्राई करें। दूसरा तरीका क्या है, एक सेम क्वेश्चन के स्लोप का फॉर्मूला लगा दें। तो हम स्लोप वाले से करते हैं। अगर एक ही लाइन में है तो स्लोप प्रवणता ए बी की किसके इक्वल होगी, प्रवणता बी सी के। इधर सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ए बी की प्रवणता बी सी की, ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है और ये इसके बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों एक ही लाइन में है। देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। प्रवणता का फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन बी माइनस जीरो वाई टू माइनस वाई ए बी अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ए माइनस एच। स्लोप ऑफ बी सी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन ध्यान दिया करिए, लिखने में गलती हो जाती, वाई टू माइनस वाई वन के माइनस बी अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो माइनस है। इसको सॉल्व कर लें तो बी आ जाएगा, यहाँ पे ए माइनस एच आ जाएगा, यहाँ पे के माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ए। अब क्या करें, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसा ही तो कुछ होता है। इसका इससे होगा तो माइनस का ए बी, अब जब इसका इससे होगा तो इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी, तो ए का के से होगा तो ए के, ए का माइनस बी से तो माइनस ए बी, माइनस एच का के से तो माइनस एच के, और माइनस एच का माइनस बी से तो प्लस का बी एच। अब क्या करें, अब क्या करें, ए बी वाले एक तरफ लिख लें, बाकी सबको एक तरफ लिख लें और आपको प्रूफ दिखने लगेगा। तो मैं नीचे की बजाय ऊपर से लिखता हूँ, साइड में आपका प्रूफ लिखा हुआ है, वो आप समझ गए हो क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन को ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ कैंसिल भी हो रहा है, ये माइनस का ए बी कैंसिल। अब क्या करें, ए बी वाले एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो ए के इधर क्या बचेगा, प्लस बी एच, और ये उधर से उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच के। अब जो भी प्रूफ करना उस पर ध्यान दें, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू वन। यहाँ पर जिसके पास दिमाग है वो सिद्ध कर लेगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू वन। अच्छा, यहाँ पर वन चाहिए, तो यहाँ पर वन कैसे आ सकता है, h k से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो इधर भी कर दें इधर भी कर दें, तो इसमें चलिए लिख लेते हैं, वो हो गया डिवाइडिंग, मतलब दोनों पक्षों में एच के से डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग एच के बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई एच के बोथ साइड, तो ए के अपॉन भी क्या हो जाएगा, एच के, प्लस बी एच अपॉन भी क्या हो जाएगा, एच के, और एच के अपॉन भी क्या हो जाएगा, एच के। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, बचा क्या, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू वन। और आपको यही प्रूव करना था, क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जो छोड़ दिए हैं उनको खुद से ट्राई करें। अब बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, केमिस्ट्री का वीडियो शायद अगला वीडियो हो, लेकिन इसका वीडियो भी आज ही मिल जाएगा या कल आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट कर देंगे। तो भैया, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, खट से बटन दबा दीजिए चैनल सब्सक्राइब, आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और पढ़ाई की वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।